प्रत्याशियों की सूची जारी करने में पिछड़ी कांग्रेस। सीएम शिवराज ने कसा तंज, कही ये बात। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे तो 136 प्रत्याशी घोषित हो गए, लेकिन कांग्रेस की सूची का अता पता नहीं है। हमारे तो 136 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसके अनुरूप सूची में नाम आए हैं, बाकी सूची भी जल्द ही आएगी। कांग्रेस की सूची का नहीं पता। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लठ्ठम लठ्ठा मची हुई है। अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई है, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सरकार। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंककर हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यह प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित में है। हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूँ। मंगलवार को दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा। बुधवार को लौटूंगा और हम चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ भिड़ जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।